महिलाओं का सम्मान करना होगा। किलो को फांसी दो, वैशाली की गुलनाज हत्याकांड का मामला फिलहाल ना तो सुलझता हुआ दिख रहा है, ना तो इस पर विपक्षी पार्टियों के तेवर नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रश्मि। गुलनाज की गूंज बिहार विधानसभा में भी सुनाई पड़ी। जी हां, सत्र की शुरुआत के साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने बिहार विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। और तो और, कांग्रेसी नेताओं ने साफ लहजे में कह दिया कि बिहार में जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तब तक वो सरकार नहीं चलने देंगे। आप देख रहे हैं कि महिलाओं के बिना हम लोग कोई धरती पर नहीं आ सकते, उनका सम्मान नहीं हो रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। और अभी लोग पूछ रहे थे कि ओथ नहीं लिए, अरे जब सर्टिफिकेट मिल गया तो हम लोग जनता ने विधायक चुना है, प्रतिनिधि चुना है, इसलिए इसका विरोध करेंगे। और जब तक महिलाओं का सम्मान नहीं होगा तब तक ये सरकार को चलने नहीं देंगे। यार, गुलनाज को जिस तरह से जलाया गया, मारा गया, उसको प्रताड़ित किया गया, हॉस्पिटल में उसका इलाज नहीं हुआ, और प्रशासन इस तरह से अमानवीय व्यवस्था रखे हुई है पूरे बिहार में, तो प्रशासन को तो सोचना पड़ेगा। नीतीश की सरकार महिलाओं का सम्मान नहीं करे, जिस बच्ची की डेथ हुई है उसके परिवार की देख रेख नहीं करे, तो क्या करें हम लोग? हम लोग के सामने लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रोटेस्ट के अलावा तो कोई रास्ता बचता नहीं है। एक तरफ बिहार विधानसभा में गुलनाज को इंसाफ दो जैसे नारे कांग्रेसी नेताओं ने बुलंद किए, तो दूसरी तरफ गुलनाज के गाँव में सियासी दौरे भी खूब हो रहे हैं। जी हाँ, जन अधिकार पार्टी संयोजक पप्पू यादव गुलनाज के गांव पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की, इंसाफ का भरोसा दिया। और जैसे ही उनका काफिला आगे बढ़ा, आरोपियों के परिवार ने पप्पू यादव को रोक लिया, गुहार लगाई कि जिन लड़कों को आरोपी बताया जा रहा है वो लड़के दरअसल बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। और पप्पू यादव के पैरों में गिरकर आरोपियों के परिवार के लोग रोने लगे। अब जरा आप ये देखिए कि कैसे पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवार से मुलाकात के बाद पप्पू यादव ने गुलनाज के गांव में ही दोनों पक्षों को लेकर पंचायत ही लगा दी। सर, मैंने दोनों की सुनी और सुनने की मैंने बहुत प्रयास की, संतुष्ट, क्योंकि मैं यदि आया हूं तो न्याय मिलेगा ही मिलेगा, इसको आप लिख लीजिए। मैं यह कोशिश करूंगा कि न्याय मिले और निर्दोष न फंसे। मैं मुख्यमंत्री से ज्यादा और सरकार से ज्यादा जिम्मेदार समाज को मानता हूं। समाज धृतराष्ट्र हो चुका है, जब समाज ही दुर्योधन और रावण को पैदा करेगा तो बार बार मुख्यमंत्री को डायरेक्ट आप नहीं कह सकते। आप प्रशासन की बात करिए, प्रशासन फेल्योर है और बिहार की राजनीति बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। तो ये आप आगे आपको समझ में आएगा कि समाज क्या चाहता है, लेकिन वर्तमान में मैं सरकार से ज्यादा समाज को दोषी मानता हूं। जब बच्ची समाज में सुरक्षित नहीं हो, छेड़खानी होती है, तो कोई ना कोई मेरे ही घर का बच्चा होता है ना, और कोई ना कोई मेरी ही बेटी होती है। तो ये हमेशा सरकार को गाली देना और समाज को हमेशा छोड़ देना और थोड़े देर के लिए सेंटिमेंट में हो करना और उसके बाद फिर बात को दबा देना, तो मैं समझता हूं कि इस बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, चाहे गोरा बारम की घटना हो। तो इस पूरी खबर को देखने के बाद यही लगता है मानो गुलनाज को इंसाफ मिले, इसको लेकर सब कुछ हो रहा है। ट्विटर पर ट्वीट, फेसबुक पर पोस्ट, शहर में कैंडल मार्च, बिहार विधानसभा के अंदर प्रदर्शन और गुलनाज के गांव में सियासी दौरे। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पुलिस की तरफ से कोई पुख्ता कार्रवाई। 30 अक्टूबर की शाम गुलनाज को जिंदा आग में झोंक दिया गया। दिवाली की रात जिंदगी से लड़ते लड़ते गुलनाज आखिरकार जंग हार गई। और साथ ही एक आरोपी के सरेंडर, दूसरे की गिरफ्तारी के बाद हार गया पुलिस प्रशासन। तो मामले में एक आरोपी अभी भी फरार है। इस पूरे मसले पर पुलिस प्रशासन कुछ भी नहीं कहने को तैयार है। और तो और, महिला सुरक्षा के नाम पर चुप्पी साधे साइलेंट वोटर से विजयी सरकार।